अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी। इसको आज हम घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसे बनकर तैयार होगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई में 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेंगे, जिससे कि दूध कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क ले लिया है। इसको अब हम एक उबाल आने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। एक उबाल आने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 1 कप शुगर। शुगर ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पर दूध को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो 30 मिनट्स के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इस स्टेज पर इसमें ऐड कर लेंगे 2 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम कंडेंस्ड मिल्क को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इसमें फॉर्म फॉर्म हो रहा है। बेकिंग सोडे से कंडेंस्ड मिल्क सॉफ्ट एंड क्रीमी बनके तैयार होता है। आपको इसे सिर्फ इतनी कंसिस्टेंसी आने तक ही पका लेना है, क्योंकि ये ठंडा होने पर और भी ज्यादा थिक हो जाता है। तो हमारा कंडेंस्ड मिल्क बनके तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें। कंडेंस्ड मिल्क को अब हम एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ला लेंगे। रूम टेम्परेचर पर ला लेने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाए। तो आप इसे जरूर ट्राई करें अपने ईद स्पेशल डिजर्ट के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की बताई हुई रेसिपी पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।